आखिर कहाँ से आते हैं विचार? दोस्तों, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि विचार कहाँ से आते हैं, उनका स्रोत क्या है? यदि तुम रात में सोते हो तो मन और शरीर कहाँ चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इसका एहसास होता है? तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहाँ से चले जाते हैं? क्या कभी तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल उठी है? यदि तुम स्रोत पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभव से, चेतना से आते हैं। जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? क्या विचार के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं है तो तुम भी नहीं हो? क्या ऐसा है? जब विचार नहीं है तो तब तुम कौन होते हो? उस स्रोत पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें ये जानना है कि तुम भी वही से जुड़े हुए हो। जब विचार नहीं होते तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समुद्र से ही निकली है और उसी में समा जाएगा, वैसे ही विचार भी अनुभव से, उस स्रोत से निकले और उसमें ही समा जाएगा। विचारों को भी उस अनुभव से समा जाना है, मगर आपने आपको अलग मानने वाला विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और ये विचार हमेशा बने रहना चाहता है। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे, मैं सोचता हूँ कि तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही है। मगर तुम्हारे ये समझना है कि विचार जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हमेशा आते रहें और भविष्य में आते रहेंगे। जब तक स्रोत है तब तक जीवन है, जब तक विचार आते रहेंगे कार्य होते रहेंगे। समझ ये होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया, विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप होने लगे थे। अब मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है, अपने होने का एहसास जानना है, समुद्र की लहर को स्रोत की तरफ मुड़ना है और इसमें समा जाना है।